हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 6 सितंबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज की तरफ। देखो, आज मैं कहीं बाहर आया हुआ हूँ तो मैंने जो हैंड रिटन नोट्स थे वो मैं नहीं बना पाया हूँ, तो आज हम पीपीटी की फॉर्म में डिस्कस वो करने वाले हैं, क्योंकि एक दो दिन मुझे कुछ काम था अर्जेंट, तो इसकी वजह से बाहर है वो आना पड़ा था। सबसे पहला जो हमारा आज का आर्टिकल आया है वो है ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2019 को लेके। क्या है इस इंडेक्स के बारे में वो हम जानते हैं। देखो, कोई भी इंडेक्स है इंडिया के लिहाज से इम्पोर्टेंट इसलिए होता है अगर इंडिया के बारे में उसमें कुछ फैक्ट इम्पोर्टेंट हो। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई वो इंडेक्स है वो जारी किसने किया है, कौन सी संस्था है, वो एनजीओ है, क्या है, कौन से पैरामीटर के आधार पर जारी करती है। और स्पेशली जो इन्वायरमेंट हो, हेल्थ हो, रहने सहने ऐसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2019 है, ये बेसिकली एक इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट है, ईआईयू, उसके द्वारा जारी है किया जाता है। यानी एक संस्था है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा इसे जारी है वो किया जाता है। इसमें होता क्या है, देखो थोड़ा नाम से आप समझिए, ग्लोबल लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब रहने योग्य, आप ऐसे समझ सकते हो कि मतलब कोई भी जगह रहने योग्य है नहीं है, इसके लिए इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड की जो टॉप मोस्ट 140 सिटीज हैं, जो कि आप बोल सकते हो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उनकी लिविंग कंडीशन कैसी है इसके आधार पर है इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। मतलब 140 सिटी जो इसमें काउंट है वो किया जाता है। इंडिया का देखो स्कोर हम देखेंगे, बट पहले हम यहाँ पे और फैक्ट है वो कवर कर लेते हैं। ये देखो इंडेक्स ये बताता है कि कौन सी सिटी है वो रहने लायक कैसी है, उसका लिविंग है वो एरिया वो बेस्ट कंडीशन है नहीं है, लोकेशन कैसी है, वहाँ पे एक्सेस कैसी है, मतलब वातावरण कैसा है, खाने पीने हो गए, हेल्थ सी। बेसिकली देखो अगर मैं आपको बताऊँ तो 5 कैटेगरी हैं, मतलब जो पैरामीटर्स हैं टोटल हैं वो 30 30 पैरामीटर हैं, जो कि क्वालिटी और क्वान्टिटी दोनों क्राइटेरिया के आधार पे हैं, और उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो स्टेबिलिटी कि भाई सिटी की स्टेबिलिटी कैसी है। अब हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में देखो जैसे आपको बताऊं कि काफ़ी सारी चीज़ें काउंट की जाती हैं कि भाई एक तो लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर कैसी है, लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह कैसा है, वहाँ पे सर्विस कैसी प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसी के साथ ही बाकी जो टर्सरी हेल्थ केयर है उन पर कितना फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे पैरामीटर्स को इसमें देखा है वो जाता है। इसके साथ ही कल्चर कैसा है वहाँ का, इन्वायरमेंट कैसा है, पोल्यूशन किस लेवल पे है, इन सारे पैरामीटर को चेक किया जाता है। एजुकेशन को भी देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा डेवलप किया गया है, रोड वगैरह बनी हुई है नहीं है, सड़कें कच्ची हैं, या इसी के साथ देखा जाता है कि भाई आसपास ड्रेनेज व्यवस्था है वो किस तरीके की बनी हुई है, एजुकेशन के लिए स्कूल वगैरह है, कॉलेज वगैरह है हायर एजुकेशन के लिए, उनके लिए एक्सेस कैसी है, मेट्रो बस ट्रेन ऐसी सारी फैसिलिटी को यहाँ पे काउंट है वो किया जाता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई सिटी रहने योग्य कैसी है इसके लिए इंडेक्स जारी किया जाता है। देखो वियना जो सिटी है वो नंबर वन रही है, और बाकी हम बात करें इंडिया के बारे में तो देखो इंडिया में दिल्ली की रैंकिंग है वो गिर गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया की रैंकिंग इस बार 118वें नंबर पे आई है मुंबई, सॉरी न्यू दिल्ली की, तो और मुंबई भी इस लिस्ट में काउंट होती है, तो मुंबई की रैंकिंग है वो आई 119। मतलब इंडिया की दोनों ही सिटीज हैं उनकी रैंकिंग एक तो आई 118 दिल्ली की तो, और मुंबई की आई है 119, तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली की पिछले साल जो रैंकिंग थी वो थी अगर आपको बता दूं 112 थी, बट इस बार घट के 118 पे आ गई है। मतलब क्या हुआ कि दिल्ली में माहौल रहने लायक नहीं है, वहाँ पे काफ़ी सारे टेररिज्म का क्राइम है वो बढ़ रहे हैं, क्लाइमेट चेंज है वो सही नहीं हो रहा है, इसके साथ ही लायबिलिटी कंडीशन नहीं, रहने लायक माहौल है वो उचित नहीं है, और जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं उनको खुलेआम वहाँ रहने नहीं जाता, मतलब उनको प्रेशराइज किया जाता है। इस बार मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगे हैं कि हमारे देश में मीडिया है, जर्नलिस्ट वगैरह है, इनको एब्यूज किया जाता है, इनके खिलाफ मतलब सही एक्शन, इनके लिए सही सपोर्ट नहीं किया जाता, इनको फ्रीडम नहीं है। ऐसी काफ़ी बार जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं वो ऐसे इश्यूज उठाती हैं कि भाई इंडिया में जर्नलिस्ट को सही फ्रीडम है वो नहीं दी जा रही है। तो इस पैरामीटर्स के आधार पर ये रैंकिंग है वो इंडिया की घटी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD। देखो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, इसने अभी मुंबई में भारी बारिश हो रही है कुछ टाइम से लगातार, इसलिए उन्होंने रेड अलर्ट है वो जारी किया है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई ये अलर्ट है वो कौन कौन से पैरामीटर के आधार पर जारी किए जाते हैं। देखो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कि मानसून के बारे में प्रिडिक्शन वगैरह है सारी चीज़ें बताता है, तो वो बेसिकली चार कलर रखते हैं। एक तो होता है उनके पास ग्रीन कलर, एक होता है उनके पास येल्लो, एक होता है ऑरेंज, एक होता है रेड। अब देखो थोड़ा आपको बारिश के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ यहाँ पे, एक बार वो देखते हैं। अगर देखो बारिश है वो पिछले 24 घंटों में 15.6 mm से लेके 64.4 mm तक बारिश हो रही है। इसका मतलब नॉर्मल बारिश नहीं, मॉडरेट बारिश है, कुछ खास ज्यादा भी नहीं है ना कुछ कम है, ठीक ठाक है, मतलब कोई सुनिए।
अगर बारिश 64.5 mm से लेके 115.5 mm तक बारिश हो रही है पिछले 24 घंटों में, इसका मतलब बारिश है वो काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और अगर बारिश है वो 115.6 mm से लेके 204.4 mm तक बारिश हुई है पिछले 24 घंटों में, इसका मतलब बहुत तेज़ी गति से बारिश हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और अगर बारिश 204.5 mm से भी ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब एक्सट्रीमली हैवी हो रहा है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि बादल फट गए हैं, बहुत ही तेज़ी से तीव्र बारिश हो रही है, काफ़ी नुकसान है वो होने वाला है। तो इस तरीके से बारिश को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो चार भागों में डिवाइड है वो कह रहा है। अब देखते हैं कि कौन कौन से कलर का क्या मतलब है। देखो, ग्रीन कलर का मतलब है कि बारिश वो मॉडरेट हो रही है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, नॉर्मल बारिश है, एवरेज उतनी ही है, बस अथॉरिटी को कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब जैसा नॉर्मल लाइफ चल रही है वो चल रही है। येलो का मतलब ये होता है कि बारिश थोड़ी मॉडरेट से ऊपर हो रही है, यानी कि बारिश थोड़ी तेज़ है वो आने लगी है, आप ये बोलते हो थोड़ी सी हैवी हो गई कि बारिश अच्छी खासी हो रही है। उस कंडीशन में बस ये है कि अथॉरिटीज़ होती हैं, जो प्रशासन होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल, या फिर आप बोल सकते हो कि आपातकाल इमरजेंसी, मतलब कि जब भी ऐसी कोई आती है हमारे देश में प्रॉब्लम आती है, या आप बोलते हो काफ़ी भयानक प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में जो भी रिलेटेड अथॉरिटीज हैं स्टेट की हो, जो डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधी चाहे से इंटरव्यू, उनको बस थोड़ा अलर्ट कर दिया जाता है कि भैया आप थोड़ा ध्यान रखो, बारिश अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो आपको स्टेप वगैरह उठाने होंगे, ठीक है। इसके बाद में ऑरेंज कलर का मतलब भी होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और अथॉरिटीज़ हैं उनको बोल दिया जाता है कि भैया आप अलर्ट पे रहो, आप प्रिपेयर रहो, बारिश अगर और ज़्यादा बढ़ गई तो आपको पहले से एक्शन है स्टेप है वो उठाने होंगे। और लोगों को भी इसमें अलर्ट कर दिया जाता है कि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है तो थोड़ा आप ध्यान रखो, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो मतलब बहरे पानी वाले एरिया वगैरह में ना जाओ, इस तरीके से थोड़ा अलर्ट है वो जारी कर दिया जाता है। इसके बाद में बात आती है रेड की। रेड का मतलब यह है कि बारिश वो एक्सट्रीमली हैवी होने लगी है, यानी कि 204.5 mm से भी बारिश ज़्यादा हुई है पिछले 24 घंटों में। इसमें अथॉरिटीज़ को कहा जाता है कि भैया आप एक्शन लीजिए, अगर कुछ ऐसे एरिया हैं रिमोट के दूर दराज की सिटी में जहाँ पे भैया लोगों को मतलब काफ़ी गहराई, आप ये किससे बोलते हो कि काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है, वहाँ से लोगों को बाहर निकालिए, इसी के साथ ही लोगों को और ज़्यादा अलर्ट कीजिए कि वो ऊंचे प्लेसेस पे चले जाएं, इस तरीके के स्टेप वो उठाए जाते हैं। वेदर की कंडीशन को फोकस किया जाता है, टाइम टू टाइम मॉनिटर किया जाता है, और जो लाइट वगैरह है उनको शट डाउन कर दिया जाता है ताकि उससे कोई बड़ा डिजास्टर है वो ना हो जाए, इस तरीके के एक्शन हैं वो यहाँ पे लिए जाते हैं। तो अभी मुंबई में रेड अलर्ट है वो जारी किया गया था, क्यों? क्योंकि बारिश पिछले 24 घंटों में वहाँ 204 mm से भी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए इस स्टेप वो उठाए गए थे। आप ये बताइए, आपके लिए होमवर्क है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है वो आता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है दादा भाई नौरोजी को लेके। देखो, हर साल 4 सितंबर को दादा भाई नौरोजी का बर्थडे होता है, तो अभी उनका 194वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, इसी उपलक्ष्य में यह आर्टिकल पब्लिश है, वो क्या कहें। तो हम दादा भाई नौरोजी का हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था उस सब, या बोल सकते हो कि फ्रीडम फाइटर थे वो हैं, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा यहाँ पे कोशिश करेंगे देखने की। देखो, दादा भाई नौरोजी हैं, उनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी दिया जाता है। वो इंडिया के एक ऐसे पहले लीडर थे जिन्होंने राष्ट्रीय, मतलब भारत के लोगों में राष्ट्र के बारे में चेतना है, लोगों में अलर्ट है वो जगाया था, मतलब भारतीयों को भारतीय होने के लिए गर्व फील उन्होंने करवाया था। इसी के साथ ही इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उसके स्टार्टिंग फेज से कनेक्टेड थे। आपको बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस जो पार्टी थी वो 1885 के अंदर बनी थी, तो उस दौरान भी वो मतलब उसके काफ़ी इन्वॉल्व थे, उनका भी कॉन्ट्रीब्यूशन था कांग्रेस को बनाने में, और वो इसके स्टार्टिंग फेज में इससे काफ़ी जुड़े हुए भी थे। इसी के बाद अगर हम बात करें तो 1859 यानी कि 1859 में जब इंडियन सिविल सर्विसेज, जो कि आज के टाइम पे IAS जानी IAS की पोस्ट नाम जाती है, उसको लेकर उन्होंने काफ़ी कंसर्न जताए थे कि भाई भारतीयों को भी इसमें मौका देना चाहिए, काफ़ी जो इसमें कमियाँ थी उनको उन्होंने दूर करने के लिए आह्वान है वो उस टाइम पे, मतलब जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश उससे किया था। इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो उन्होंने 1865 और 1866 लगातार इन 2 सालों में 2 फाउंडेशन या 2 संस्थाएं बनाई। एक तो उन्होंने बनाई लंदन इंडिया सोसाइटी, तो देखो ये UPSC ने कई बार पूछा है कि इनमें से कौन सी जो है सोसाइटी है, संस्था है जो दादा भाई नौरोजी द्वारा बनाई गई है वगैरह वगैरह। तो आपको ध्यान में रखना है कि लंदन इंडिया सोसाइटी है वो 1865 में दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी, और जबकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है वो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में बनाया था। इवन कई बार UPSC सिक्वेंस भी पूछ लेती है कि पहले कौन सी बनी, बाद में कौन सी बनी, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं। और इन दोनों ही संस्थाओं ने भारत में लोगों को अलर्ट करने के लिए नेशनलिज्म के बारे में काफ़ी प्रमोट है वो किया था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1885 में से हमने डिस्कस किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी, तो उस दौरान
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना हुआ था एक, उसके वाइस प्रेसिडेंट भी रहते दादा भाई नारोजी। देखो वैसे दादा भाई नारोजी है वो बेसिकली महाराष्ट्र या बॉम्बे से उस टाइम पे बिलोंग है वो करते थे, तो बॉम्बे प्रेसिडेंट इनकी मैन एरिया आप बोल सकते हो कि मैन इनका गढ़ था। इसी के बाद अगर हम और हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और बॉम्बे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें भी इन्होंने काफी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दिया है, मतलब इनका योगदान बहुत ही सराहनीय था, इन्हें काफी अच्छे स्टेप उठाए थे। इसके बाद में देखो हम ये देखते हैं कि दादाभाई नौरोजी है वो इंडियन जो कांग्रेस की समिट होता था उसमें 3 बार प्रेसिडेंट भी बने थे, एक तो 1866 में बने थे, फिर 1886 यानी कि 1886 में, और एक बने थे 1893 में, और एक बने थे 1906 में। 1906 में क्या हुआ था ये बताइए आप, 1906 में बहुत इंपॉर्टेंट काम था वो आप बताइए कि 1906 में क्या हुआ था। 1907 में तो आपको पता होगा कांग्रेस विभाजन हुआ था, सूरत में हुआ था, 1906 में क्या हुआ था ये आप बताइए। 1906 में कांग्रेस के मतलब कांग्रेस में नहीं मतलब इंडिया में क्या बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है वो हुआ था। इसी के बाद अगर हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी है वो 1892 यानी कि 1892 में जो हाउस ऑफ कॉमन जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पे भी इलेक्ट हुए थे, यानी कि दादा भाई नौरोजी है वो पहले एक एशियन थे या एशिया के ऐसे एक पहले आदमी थे जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एमपी की पोस्ट पे इलेक्ट हुए थे 1892 में, तो ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। इसी के साथ ही हम बात करें तो दादा भाई नौरोजी है वो कुछ मॉडरेट नहीं थे, मतलब नरम दल के नेता थे, ये भी यूपीएससी आपको पूछ सकती है नरम दलो गरम दल में, यानी कि मॉडरेट नरम दल के नेता थे वो दादा भाई नौरोजी है। उन्होंने जो नेशनलिस्ट थे इंडियंस इनको सपोर्ट किया काफी ज्यादा, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री थी इनके अगेंस्ट स्टेप उठाने के लिए काफी लोगों को अलर्ट भी किया था। इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है इनका ड्रेन थ्योरी। देखो दादा भाई नौरोजी है उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, गरीबी और भारत में जो अन ब्रिटिश यानी कि जो गलत तरीके से ब्रिटिश रूल है इसके बारे में उन्होंने बुक लिखी और एक ड्रेन थ्योरी दी थी। ड्रेन थ्योरी का मतलब ये था कि किस तरीके से अंग्रेज है वो इंडिया का धन है वो यहाँ से ले जाके खींच खींच के मतलब यूके है वो लेके जा रहे थे या ब्रिटेन लेके जा रहे थे। देखो क्या कर रहे थे अंग्रेज, अंग्रेज इंडिया का जो कच्चा सामान है जो इम्पोर्टेंट चीज ना उनको सारों को एक्चुअली यूके ले जाते थे और मतलब सारा पैसा यहाँ से वहां जा रहा था, इसलिए वो ड्रेन थ्योरी के नाम से काफी फेमस है वो हुई है, तो ये यूपीएससी पूछ सकती है। इसी के साथ अगर और हम आगे बात करें तो उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी थी जो अंग्रेजों की जिससे वो इंडिया के लोगों को हरास करते थे या बोल सकते हो कि एक्सप्लोइट करते थे उसके बारे में उन्होंने लोगों को अलर्ट किया, लोगों को सारे लोगों को बताया जो इम्पीरियल ब्रिटिशर्स थे इसके बारे में बताया कि किस तरीके से वो इंडिया का धन है वो मतलब एक्सप्लोइट करके ड्रेन थ्योरी के थ्रू वो वापस लेके जा रहे हैं यूके में, ये बताया। इसी के साथ ही इन्होंने सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान प्रकाशक मंडली है इसका इन्होंने सेटअप किया ताकि भारतीयों को एजुकेटेड भारतीयों को साक्षर किया जा सके, भारतीयों को जो अनपढ़ का उनकी प्रॉब्लम थी एसेक्सिज्म इससे उन्हें दूर करने के स्टेप उठाए जा सके। इसी के साथ ही वो मेंटोर के तौर पे उन्होंने काम किया था महात्मा गांधी बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले के लिए, तो ये सारे फैक्ट आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में ध्यान रखने हैं, उनका बहुत ही अद्वितीय योगदान है वो रहा है भारत की आजादी में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट को लेके, क्या है ये देखो थोड़ा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। कई बार देखो क्या करते हैं जैसे कि कोई भी आप एक कंपनी का एग्जाम्पल ले लो, कि हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे एप्पल कंपनी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि एप्पल के फोन की बात ही है। अब ये आपको पता है कि एप्पल वैसे इंडिया में आजकल फोन बनाने लगी, अब कई बार क्या करती है एप्पल को पता लगता है कि भाई इंडिया में तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है और पता चले कि यूएसए में इनको टैक्स कम देना पड़ रहा है, तो एप्पल कंपनी क्या दिमाग लगाती है कि यार जो मैं पुर्जे वगैरह खरीदती हूँ ना अमेरिका से या फिर जो मेरी दूसरी कंपनी कहीं और भी होगी दूसरे देश में मैं वहां क्या करती हूँ मेरा सारा टैक्स बचा लेती हूँ, पुर्जे उर्जे महंगे खरीद लेती हूँ, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को मैं ये दिखा देती हूँ कि भाई साहब मेरे को तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, को नाम मात्र के पैसे बच रहे हैं क्योंकि जो सामान खरीदी हूँ ना मैं कच्चा वो बहुत महंगा मिल रहा है। जैसे एप्पल बोलता है कि भाई साहब जो फोन का कैमरा है बैटरी है वो मैं एक्चुअली यूएसए से खरीद रहा हूँ और 30,000 का फोन है और मेरे को तो 25,000 की तो बैटरी पड़ रही है अकेली और 2-3 हज़ार का ये, तो मेरे को तो एक फोन पे बस 1,000-1,500 रुपये बच रहे हैं, मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ एप्पल कंपनी एक तरीके से टैक्स की चोरी कर रही है क्योंकि वो इनडायरेक्टली जो पैसा है वो कहाँ भेज रही है यूएसए में भेज रही है ताकि वहां पे उनको टैक्स कम देना पड़े, हो सकता है कि वहां पे उसके लिए छूट भी हो टैक्स में क्योंकि अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल होते हैं, तो इसलिए वो क्या करती है टैक्स चोरी कर लेते हैं एक तरीके से चोरी ही है ना कि भाई वो यहाँ पे मतलब फर्जी कागज बना के दिखा देते हैं कि बैटरी हमने तो 25,000 में तो बैटरी बैटरी खरीदी है। तो ये चीज को काउंटर करने के लिए बेसिकली कंपनियां क्या करती हैं गवर्नमेंट वहां की
वो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन करती हैं। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट है वो एप्पल के साथ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट साइन करेगी कि भैया आप हमें पहले ही बताओ कि आप किस रेट में सामान वहां से खरीदने वाले हो। तो देखो अब अगर पहले बताना पड़ेगा तो कंपनी ज्यादा मतलब धांधलेबाजी नहीं कर सकेगी, क्योंकि उससे पहले मेंशन करना होगा कि भाई मैं ये सामान यहाँ से खरीद रही हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि 19-20 अगर मार्केट में रेट कम ज्यादा हो तो उसका सोल्यूशन हो जाता है, बट कंपनी ज्यादा मतलब एक तरीके से पैसा इधर से उधर ट्रांसफर नहीं कर सकती और ये एग्रीमेंट साइन कर ले जाते हैं। अब अगर ये एग्रीमेंट एप्पल कंपनी ने इंडिया के साथ साइन कर लिया तो एक तो क्या फायदा होता है एप्पल को, गवर्नमेंट से थोड़ी टैक्स वगैरह में छूट दे देती है। इसी के साथ उन कंपनी को तो फायदा हो गया कि भाई टैक्स कम देना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट को यह फायदा होगा कि पता चल गया कि भाई एप्पल ये सामान है वो दूसरी कंट्री से कहीं से भी इस रेट में खरीदेगा, तो मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा लालच उसके मन में नहीं है। तो इस तरीके से ये एग्रीमेंट है वो साइन किया जाता है। यानी कि यह जो एग्रीमेंट है वो बेसिकली टैक्स पेयर और जो टैक्स अथॉरिटी होती है उन दोनों के बीच में किया जाता है कि भाई मैं इस रेट पे सामान है वो खरीदूंगा ताकि बाद में कोई भी इश्यूज वगैरह ना हो सके, फ्यूचर में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो इस रेट पे मैं खरीदने वाला हूँ। या आप ऐसे एग्जाम्पल्स से समझ सकते हो कि ब्रेड बनाने वाली कंपनी है वो बाहर से आटा खरीदती है तो वो पहले बता देगी कि भाई मैं आटा बाहर से 30 रुपए किलो खरीद रही हूँ। ऐसा नहीं कि ब्रेड बनाने के बाद वो कंपनी रोने लगेगी मेरे को तो घाटा हो रहा है, क्योंकि कई बार कंपनियां ऐसा कर लेती हैं प्रॉफिट को बचाने के लिए या टैक्स को बचाने के चक्कर में। तो इसीलिए न्यूज ये आई है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है उसने अभी इस बार का जो फाइनेंशियल ईयर है यानी अप्रैल से अगस्त के बीच में लगभग 26 एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है वो साइन किए हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ, ताकि उनको टैक्स की पारदर्शिता रह सके और मतलब टैक्स चोरी वगैरह के उन पर कुछ इश्यूज ना आ सके। तो एक तरीके से जो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट है ना वो एक सर्टेनिटी प्रोवाइड करवाता है टैक्स क्यों लेके कि भाई जो टैक्स पेयर है वो इंटरनेशनल जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है उसका इस रेट पे वो करने वाला है, ताकि एक पारदर्शिता बनी रह सकती है। तो इससे कंपनी और गवर्नमेंट के बीच में चिकचिकबाजी नहीं होती। तो ये अभी न्यूज आई थी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है यहाँ पे नोखई फेस्टिवल को लेके। देखो नोखई जो फेस्टिवल है वो बेसिकली एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, कहाँ का, उड़ीसा का है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नोखई फेस्टिवल है वो एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है फार्मर्स का। इसके बारे में यूपीएससी आपको पूछ सकती है। ज्यादा तो देखो इसमें इफेक्ट नहीं रखने आपको कि क्या क्या है, वैदिक पीरियड से चला आ रहा है ये नहीं, बस इतना ध्यान हो जाए कि नोखई है वो एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है फार्मर्स के लिए। इसका दूसरा नाम भी है वैसे, वो है नोखई भेद घाट, या दूसरा नाम है नोखई पर्व। तो ये आपको ध्यान में रखना है, नोखई पर्व या नोखई भाग घाट, ये दोनों यूपीएससी पूछ सकती है। तो ये थी देखो आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।